खबरों के बीच महाराजगंज से इस वक्त की बड़ी खबर है। महाराजगंज डीएम अमरनाथ उपाध्याय सस्पेंड हुए हैं। दो एसडीएम समेत दो पशु चिकित्सा अधिकारी सस्पेंड हुए हैं। 2500 गौवंश की जगह 954 गौवंश पाए गए और गौशाला में अनियमितता पाए जाने पर यह कार्रवाई की गई। निराश्रित गौशाला केंद्र की कार्रवाई जांच की गई थी और उज्ज्वल कुमार बने महाराजगंज के नए डीएम। सर्वेश गुप्ता हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, क्या जानकारी? सर्वेश, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? गौशाला में अनियमितता पाए जाने पर कार्रवाई हुई, इस खबर को लेकर क्या ताजा जानकारी है? सर्वेश तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, दो एसडीएम समेत 2500 गौवंश की जगह 954 गौवंश पाए गए। सर्वेश एक बार फिर से हमसे जुड़ गए हैं। सर्वेश, क्या जानकारी? जी सर, जानकारी है महाराजगंज जनपद से डीएम अमरनाथ उपाध्याय को गौवंश के मामले में लेकर के उनको निलंबित कर दिया गया। उनके साथ साथ चार अधिकारी और भी निलंबित किए गए हैं। मामला है माधोलिया गोस्थान का जी, जो महाराजगंज में पड़ता है, जिसमें योगी सरकार की खास नजर बनी रहती है, जिससे करोड़ों रुपए की इस पे आवंटन होते रहे हैं, जिसमें योगी सरकार ने 500 एकड़ की भूमि भी जो वन विभाग से है पशुपालन के लिए दिया गया है उसको आवंटित किया गया था, जिसमें इसमें बहुत भारी अनियमितता पाई गई। अभी कुछ दिन पहले मंडल कमिश्नर अभी आए थे जांच के लिए, जिसमें 2500 पशु होने चाहिए लेकिन उनके जांच में मिला 954 पशु हैं, जिसको लेकर के कार्रवाई मानी जा रही है। इसमें जो कार्रवाई हुई है, जिसमें अमरनाथ उपाध्याय डीएम है, ऊपर अपर जिलाधिकारी हैं देवेश कुमार देवेंद्र कुमार और अपर जिला उप जिलाधिकारी हैं निचलौल देवेंद्र कुमार। जी जी, सर्वेश आप बने रहिए हमारे साथ। मनीष श्रीवास्तव डिप्टी ब्यूरो चीफ इस वक्त हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। मनीष, गौशाला में अनियमितताओं पर सख्त कार्रवाई हुई है, लखनऊ से अगर देखा जाए तो क्या जानकारी इस वक्त आपके पास? देखिए, इसको जो अनियमितता पाई गई है गौशाला को लेकर के, इसको मुख्य सचिव ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की लगभग एक घंटे पहले, और उन्होंने साफ तौर से जो वहाँ के जिला अधिकारी हैं साथ में दो एसडीएम और दो चिकित्सा अधिकारी, उन पर कार्रवाई करते हुए उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। और साथ में आपको बता दें कि जो निराश्रित गौवंश की जानकारी थी वो स्थलीय भ्रमण के दौरान पाया गया वहाँ पर, वो 2500 दिखाई गई थी रजिस्टर में, जबकि 954 ही जो वहाँ पे गौवंश थे वो पाए गए। ऐसे में साथ में एक दूसरा मामला भी था, लगभग 500 एकड़ भूमि का कब्जा जो वन विभाग से पशु पालन विभाग को दिया गया था गौसदन के लिए, उसमें भी एक लगभग 328 एकड़ की भूमि को निर्धारित समयावधि के लिए एक कृषकों को अन्य फर्मों को दे दिया गया था। इसको देखते हुए भी एक विधिक जो प्रक्रिया होती है उसको नहीं अपनाया गया, इसको लेकर के भी बड़ी कार्रवाई की है। इसमें पूरी तरह से संलिप्तता गौशालाओं की अनियमितताओं की अगर बात करें तो किस तरह की अनियमितता जब वहां पे पहुंची टीम तो उसको नजर आई, जिसको लेकर इस तरह की कार्रवाई की गई? देखिए, गौशाला गौवंश की अगर हम बात करते हैं तो उसमें जो 2500 गौवंश दिखाए गए थे उनको लेकर के जो अनुदान मिलता है सरकार से वो भी अनुदान लिया जा रहा था। साफ तौर से अगर देखें तो वित्तीय अनियमितता थी। अगर आपके पास 2500 जानवर नहीं है और आप उसको 2500 जानवर दिखा करके उनका अनुदान ले रहे हैं सरकार से, तो ये कहीं ना कहीं वित्तीय अनियमितता दिखती है। और 954 थे कुल जब उसका स्थलीय परीक्षण कराया गया, तो साफ तौर से लगभग जो है वो 1400 के आसपास जो गौवंश थे वो फर्जी दिखाए जा रहे थे, इसी को लेकर के ये कार्रवाई की गई। साथ में जो जमीन का मामला था, जो भूमि आवंटन का मामला था, वो भी गलत तरीके से आवंटित की गई थी। तो शुक्रिया मनीष तमाम जानकारी के लिए। तो गौशाला में अनियमितताओं पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त कार्रवाई की।